हाय गाइस, इस वीडियो में आप आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको CSS सेलेक्टर के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। सो कहां से आपको जानकारी मिलेगी? अगर नहीं है तो अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते हैं तो आपके पास जानकारी होगी, बिकॉज आपने CSS पढ़ा होगा मेरे प्लेलिस्ट से। और अगर नहीं है तो आपको यहाँ जाना है www.geekysource.com मेरी वेबसाइट में, देन यहाँ CSS में क्लिक करना है। अगर यहाँ आपको CSS नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से CSS लिख कर, सो कहीं से ना कहीं से, या फिर कोर्सेज टैब में यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा रहेगा आप सर्च कर लें तो जल्दी मिल जाएगा। सो CSS जैसे आपको मिलता है वहाँ आप क्लिक कीजिए और आपको CSS का पूरा यहाँ सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ आपको क्लिक करना है वॉच ऑन यूट्यूब में। यहाँ क्लिक करने के बाद ये आपको CSS के प्लेलिस्ट में लेकर जाएगा। यहाँ आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा CSS का। अभी आपको यहाँ सबसे नीचे जाना है और जितना भी यहाँ वीडियो है सभी को सबसे पहले तो रेंडर होने देना, यानी कि सभी अगर आपको दिख जाए फाइनल, आपको यहाँ फाइनल CSS व्हाट नेक्स्ट यहाँ तक मिलता है। फिर आप कंट्रोल एफ़ करें। कंट्रोल एफ़ करने के बाद सेलेक्टर यहाँ लिखिए तो आपको यहाँ मिलेगा कि पहला जो मैंने डिस्कस किया हुआ एलिमेंट सेलेक्टर, उसके बाद नीचे कीजिए तो यहाँ ID सेलेक्टर, देन क्लास सेलेक्टर है, ग्रुपिंग सेलेक्टर है, उसके बाद और भी नीचे करते जाइए आपको कहीं ना कहीं सेलेक्टर और भी, कम से कम 10 या 15 सेलेक्टर मैंने डिस्कस किया। आप देखिए यहाँ रीकैप मैंने किया हुआ है उन सबको, तो ये तो वही होगा। यहाँ ये भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर देख लीजिएगा, चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट सेलेक्टर, सिबलिंग सेलेक्टर देखिए, और स्क्रॉल डाउन कीजिए तो आपको और भी मिलेगा। मैंने कहा 10 से 15 सेलेक्टर मैंने यहाँ डिस्कस किया है, जो कि इनफ है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपका रहेगा एट्रीब्यूट सेलेक्टर, सो इसको ध्यान से देखना है, और बस इतना ही है आई गेस। सो 10 से 15 आपको यहाँ मिल जाएगा आप इस प्लेलिस्ट के थ्रू। अगर आपको नहीं पता है ये सारे सेलेक्टर के बारे में जानकारी नहीं है तो आप सबसे पहले इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं और आते हैं अपने कॉन्सेप्ट में। ओके, सो हमारा टॉपिक है क्वेरी सेलेक्टर, जिसमें आप CSS सेलेक्टर इसको पैरामीटर में देते हैं। द मेथड क्वेरी सेलेक्टर returns the first element match of the specified selector or group of selectors. If no matches are found, null is returned. So ये क्या करता है query selector, क्या करता है इसके through match करता है, यानी कि जो भी selector आप CSS selector यहाँ valid CSS selector जो भी आप यहाँ देंगे उसके through ये match करेगा और वह सारे elements आपको return करके देगा। याद रखिएगा सारे एलिमेंट्स नहीं देता है, ये सिर्फ एक सिंगल जो फर्स्ट मैच होगा सिर्फ उसी को रिटर्न करके देगा, सभी को नहीं देता है। उसके लिए एक अलग मेथड है क्वेरी सेलेक्टर ऑल, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर आप यहाँ एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करते हैं तो कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। क्वेरी सेलेक्टर, सेलेक्टर का एस कैपिटल है, एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब होता है टैग का नाम, तो मैंने पी लिखा, तो जितने भी पी हैं उनमें से जब से सबसे जो फर्स्ट में होगा वो आपको रिटर्न होकर मिलेगा। ये सिर्फ एक ही रिटर्न करता है। इसी तरीके से पी और एच, पी और एच में जो फर्स्ट होगा वह आपको दिखाई देगा। उसी तरीके से आईडी सेलेक्टर आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको हैज लगाना पड़ेगा यहाँ क्योंकि ये आईडी है इसीलिए, और अगर मल्टीपल आईडीज आप लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा सिर्फ एक ही रिटर्न करके देगा जो पहले उसको मिल जाएगा। इसी तरीके से क्लास सेलेक्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको डॉट लिखकर क्लास का नाम लिखना है, आप इस तरीके से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और इस तरीके से भी चाइल्ड का इस्तेमाल करके भी इसको लिख सकते हैं। और भी जितने भी सेलेक्टर हैं, जैसे एट्रीब्यूट सेलेक्टर है एक, तो उसको भी आप लिख सकते हैं, बट मैंने उसको यहाँ लिखा नहीं है बिकॉज बहुत सारे हैं और सभी को बता पाना पॉसिबल नहीं है। सो फिलहाल हम लोग ये तीन चीज़ें देखते हैं प्रैक्टिकल करके, और एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा क्वेरी सेलेक्टर ऑल के साथ, बिकॉज वहाँ इसका ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा सब कुछ। हालांकि इसमें भी वह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप वहाँ देखेंगे तो उस चीज़ का इस्तेमाल आप यहाँ भी कर पाएंगे ऐसी मुझे आशा है, बिकॉज दोनों सेम है। बस इसमें सिंगल मैच होता है, उसमें ऑल होता है, यानी कि सभी को रिटर्न करके एक लिस्ट रिटर्न करके आपको देगा, और इसमें सिर्फ एक सिंगल रिटर्न करके देता है जो फर्स्ट मैच कर जाता है। सो कोड देख लीजिए क्विकली। HTML हेड, हेड के अंदर मेटा, मेटा के अंदर सॉरी मेटा टाइटल, टाइटल का क्लास नेम मैंने गीक लिखा हुआ है। हेड क्लोज बॉडी, बॉडी के अंदर H1 एक और H1 का मैंने क्लास गीक और माई क्लास दो क्लास का नाम लिखा हुआ है। देन H2 है, P है, P का क्लास नेम गीक है, P है इसका क्लास नेम माई क्लास है, Div है जिसका ID मैंने शो दिया हुआ है, और एक और P है यहाँ जिसका क्लास गीक है, एक और पी है यहाँ जिसका मैंने 101 लिखा हुआ है। यहाँ हम लोग सेकंड पी इनसाइड डिव नहीं करते हैं बल्कि इसको लिख देते हैं कुछ और।
या क्या लिखें, आई एम देन यहाँ स्क्रिप्ट हमारा स्टार्ट, स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अपना जावास्क्रिप्ट का कोड। तो सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट सेलेक्टर दिखाता हूँ जो कि बेहद ही ईजी है, इसको एलिमेंट सेलेक्टर, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें चूँकि ये रिटर्न करेगा तो हम लोग इसको रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे, और आपको यहाँ लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसमें आपको सी एस एस सेलेक्टर देना। तो सी एस एस सेलेक्टर हमारा क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर हम लोग इसे यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ आपको एक एलिमेंट का नाम लिख देना है, तो मैंने पी लिख दिया, इसको सेमी कलन देते हैं। ये अब जो इसको पी पहले मिलेगा, देखिए यहाँ से ये रेंडर करना स्टार्ट करेगा, यहाँ नहीं है, 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 यहाँ नहीं, ये मिल गया पहला, तो ये इसको रिटर्न कर देगा। और इसको अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं रिजल्ट, सेमी कलन कॉन्सोल लॉग कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिजल्ट। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र में, तो आप यहाँ इसको हम लोग यहाँ डेवलपर टूल्स में चलते हैं, यहाँ आपको रिटर्न होकर दिखाई देगा। देखिए ये वाला पहला वाला क्लास जिसका जिस पी का क्या है, क्लास नेम गिक है, ये पहला वाला वेरी फर्स्ट। देखिए गिक तो पी तो बहुत सारा है, एक पी यहाँ भी 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 है, एक पी यहाँ भी, लेकिन जो इसको पहले मिलता है ऊपर से सर्च करता हुआ जब आता है, जिसको फर्स्ट मैच होता है उसी को ये रिटर्न करता है क्वेरी सेलेक्टर। क्लियर है? अब इसमें मान लीजिए हम लोग मल्टीपल सेलेक्टर्स यहाँ लिख देते हैं, मल्टीपल सेलेक्टर सेपरेटेड बाय कॉमा आपको लिखना है, मैंने पी लिखा और एच वन लिखा, तो इस केस में ये किसको रिटर्न करेगा? ये एक रूल फॉलो करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। अब पी और एच वन में जो पहले इसको मिलेगा वह उसी को ये रिटर्न कर देगा। सो सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको H1 मिल रहा है। क्यों H1 मिल रहा है? बिकॉज H1 P से पहले है, देखिए ऊपर से आ रहा है सर्च करता हुआ, तो यहाँ देखेंगे आपको H1 ये मिल जा रहा है, इसलिए ये H1 को रिटर्न करता है, P इसके बाद कहीं है यहाँ पर, सो ये उसको रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि इसको जो फर्स्ट मिलता है उसे ये फर्स्ट गेट कर लेता है, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है आपका एलिमेंट सेलेक्टर, और इसको हटा देते हैं यहाँ से। अभी हम लोग बात करते हैं दूसरे सेलेक्टर की, जो कि है आई डी सेलेक्टर। अब आई डी सेलेक्टर भी रिटर्न करेगा, सो वेयर रिजल्ट में स्टोर करेंगे इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ एक आई डी का नाम लिखेंगे, आई डी का नाम हैज़ के साथ आपको लिखना है। तो कौन से आई डी का नाम लिखेंगे हम लोग, लिखते हैं, देखते हैं आई डी हमारे पास क्या है, सब तो क्लास ही दिख रहा है मुझे। देखिए आई डी हमारे पास एक यहाँ है इस पी टैग में, सो वन एक आई डी हमारे पास यहाँ, तो मैं सो वन को यहाँ यूज़ करता हूँ, हैज़ के साथ लिखना है, याद रखिएगा हैज़ लिखा देन सो वन लिखा, ये आपको रिटर्न करके देगा, जहाँ भी सो वन होगा फर्स्ट मैच वह आपको रिटर्न करके देगा। इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ रिजल्ट कंसोल लॉग भी कर लेते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ रिजल्ट सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, तो पहले जो मिलेगा सो वन वही आपको दिखाई देगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही सो वन है, अगर आप चाहें तो एक और पी बना लीजिए, कोई पी नहीं कुछ भी बना सकते हैं आप, एच वन एच टू एच थ्री बना लेते हैं, चलिए एच थ्री आई एम एच थ्री, और इसका आई डी दे देते हैं हम लोग सो वन, ठीक है। सेव करते हैं, अभी दो सो वन है, बट जो फर्स्ट में मैच होगा वही आपको रिटर्न करके ये देगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ देखेंगे जो पहले मैच हुआ वही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये हो गया आपका आई डी सेलेक्टर। अगर मल्टीपल आई डी आप यहाँ देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ हैज़ सो दिया सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी कि हैज़ सो देन हैज़ सो वन, दो मैंने यहाँ दिया हुआ है, सो ये किसको रिट्रीव करके आपको दिखाएगा? ये आपको रिट्रीव करके दिखाएगा जो इसको पहले मिल जाएगा, या तो ये मिल जाए इस आईडी के साथ मिल जाए, या फिर इस आईडी के साथ मिल जाए, जो भी इसको पहले मिलेगा वह उसको दिखाएगा। सो सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, आप देखेंगे आपको मिल रहा है यहाँ ये वाला डिव में जो आईडी सो लगा हुआ है वह, क्यों? बिकॉज ये ऊपर से रेंडर करता हुआ आता है, देखता है, देखता है कि आईडी यहाँ उसको पहले मिल जाता है सो, तो ये उसको आपको रिट्रीव करके स्क्रीन पर यहाँ दिखा देता है।
फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, हमें हमेशा याद रखिएगा क्वेरी सेलेक्टर में फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। आप यहाँ मल्टीपल यूज़ कर रहे हो या फिर सिंगल यूज़ कर रहे हैं, यही रूल फॉलो होता है। सो आईडी सेलेक्टर का भी हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, अभी हम लोग देखते हैं क्लास सेलेक्टर का। अच्छा एक चीज़ और, एक बात और, यहाँ जो हम लोग क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करके कर रहे हैं वही चीज़ आप गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करके भी कर सकते हैं, बिकॉज़ ये तो सिर्फ एक ही रिटर्न करता है, वहाँ भी सिर्फ एक ही रिटर्न आता है जो मैच होता है उस आईडी के साथ वो। लेकिन इसमें बस ये है कि अगर मल्टीपल सेम, देखिए आईडी को हम लोग हमेशा यूनिक रखते हैं, समझ में आ रही मेरी बात, कि आईडी हमेशा यूनिक होता है। अगर आपको सेम ऐसा ऐसा लिखना है तो हम लोग उसको क्लास बना देते हैं, आईडी नहीं बनाते। सो ऐसा तो आपको पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आप इस तरीके से लिखेंगे कभी अपने स्क्रिप्ट में, अपने कोड में, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा होता है तो आप इस तरीके से इसका यूज़ करके आप फर्स्ट जो मैच होगा उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब ऐसा आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप सेम आईडी का दो, सेम आईडी आप दो जगह दो एलिमेंट में यूज़ करें। उसके जब आपको ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि सेम मुझे लिखना है तो वहाँ क्लास लिख दिया करेंगे। वेल वो एक छोटा सा ऐसे ही बोनस आप समझ लीजिए कि डिस्कशन है। ओके सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो यहाँ जो आपको मिलता है वही चीज़ आप गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ भी रिट्रीव कर सकते हैं। वाई, बिकॉज वहाँ भी सिंगल मिलता है और यहाँ भी आपको एक सिंगल एलिमेंट ही मिलने वाला है, बस यहाँ आपको फर्स्ट में जो आता है वो मिलता है और इसमें आप एक स्पेसिफिक कर देते हैं कि उसी आईडी को मिलना चाहिए। हालांकि वहाँ भी अगर आप करेंगे, अगर दो आईडी है और वहाँ भी अगर आप गेट एलिमेंट बाय आईडी और सो वन लिखते हैं जो फर्स्ट में मैच होगा वही आपको रिटर्न होकर दिखाई देगा। सो दोनों ही सेम है टास्क परफॉर्म करने में। सो आप इसका इस्तेमाल करें या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल करें, दोनों ही सेम है। ओके उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, क्लास सेलेक्टर का। सो क्लास सेलेक्टर लिखते हैं, क्लास सेलेक्टर ये भी रिटर्न करेगा, ये तो लिस्ट रिटर्न करता है हम लोग जानते हैं, बट यहाँ लिस्ट नहीं रिटर्न करेगा बिकॉज हम लोग गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम नहीं लिखने वाले हैं बल्कि क्वेरी सेलेक्टर लिखने वाले हैं जो कि सिंगल चीज़ रिटर्न करता है। स्टोर करेंगे इसको रिजल्ट में इक्वल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करेगा ये क्वेरी सेलेक्टर। और यहाँ आपको सी एस एस सेलेक्टर में क्लास का नाम लिखना है, तो क्लास का नाम आप डॉट के साथ लिखेंगे, डॉट गीक मैंने लिखा और मैंने इसको सेमी कॉलन देकर बंद कर दिया। अब यहाँ इसको हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं रिजल्ट, और कौनसल लॉग भी कर लेते हैं, कौनसल डॉट लॉग और यहाँ रिजल्ट। सेव करते हैं इसको और इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र में। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ आपको एक मिल रहा है जो कि है टाइटल में, तो ये कैसे पता लगाता है, ये सिर्फ फर्स्ट मैच को देखता है, ये ऊपर से जब आता है रेंडर करता हुआ तो इसको यहाँ मिल जाता है क्लास गीक। आप देखेंगे कि क्लास गीक जो है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत सारी जगहों पर है, बट ये सिर्फ फर्स्ट मैच जो होगा उसी को रिटर्न करके आपको देता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपको ये टाइटल एलिमेंट ही कौनसल लॉग में देखने को यहाँ मिलता है। और यहाँ भी आप देखेंगे तो ये टाइटल एलिमेंट ही आपको दिखाई दे रहा है। अगर मल्टीपल क्लास नेम आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने डॉट गीक लिखा और कॉमा देकर एक और क्लास नेम मैं लिखता हूँ डॉट माई क्लास, तो इस केस में भी ये फर्स्ट कम फर्स्ट गेट को फॉलो करेगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ भी आपको टाइटल ही दिखाई देगा बिकॉज पहले ही ये यहाँ पर मैच हो जा रहा है। अगर आप इसको यहाँ माई क्लास कर देते हैं, माई क्लास कर दिया मैंने, हालांकि माई क्लास करने से भी ये पहले ही आएगा बिकॉज माई क्लास से मैच हो जाएगा तो ये आपको माई क्लास वाला टाइटल ही दिखाएगा। ये क्या करता है कि इन दोनों में से कोई एक जो फर्स्ट आ जाए उसको रिट्रीव करके दिखाता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका इतना। और अगर आप यहाँ से इसको हटा देते हैं, एज्यूम करें कि यहाँ ये नहीं है, तो ये नीचे फर्दर जाएगा और जो भी इसको मिलेगा उसको ये रिट्रीव करके दिखाएगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आपको H1 दिखाई देगा बिकॉज जब ये ऊपर से रिट्रीव करता आता, यहाँ से रिट्रीव करता आ रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो इसको यहाँ मिलता है माई क्लास, तो ये आपको दिखाता है। ओके सो हम लोगों ने तीन सेलेक्टर यहाँ देखा, आईडी सेलेक्टर सबसे पहले, एलिमेंट सेलेक्टर, देन क्लास सेलेक्टर, देन आईडी सेलेक्टर, एक्चुअली एलिमेंट आईडी एंड क्लास, ऐसे वे में देखा। तो इसका आप इस्तेमाल कीजिएगा तीनों का ही, ये थ्री इन वन है, थ्री इन वन नहीं, ये ऑल इन वन है एक्चुअली में, जो सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है, ये क्वेरी सेलेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ।
लेकिन कुछ ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, सो इस बात का आपको ध्यान भी रखना है। ओके सो इसमें और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास सेलेक्टर के बाद आप एट्रीब्यूट सेलेक्टर देखिए, आप चाइल्ड सेलेक्टर देखिए, आप और भी जो भी सेलेक्टर सीएसएस में बताए गए हैं सभी का इस्तेमाल करके देखिए, सभी आपको यहाँ देखने को आसानी से मिल जाएगा, काम करने को आसानी से मिल जाएगा। ओके एट्रीब्यूट सेलेक्टर एक काफ़ी यूज़फुल है जो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसको मैं आपको दिखाऊंगा क्वेरी सेलेक्टर ऑल वाले टॉपिक में, मेथड में। सो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।